जी दर्शकों, मैं विजय गुप्ता यंग बाइट्स की टीम के साथ इस समय बर्लिन में हूँ। हमारे साथ इस समय आइए इनसे जानते हैं इनके अंदर क्यूरियोसिटी है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनके दिल में। जी रोहित जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ बर्लिन में आने वाले हैं और इंडियन डायस्पोरा को वो संबोधित करने वाले हैं, तो कैसा फील हो रहा है? आप भी उस इंडियन डायस्पोरा का एक हिस्सा हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहता हूँ और इसलिए मैं म्यूनिख से आया हूँ जी, उनको सुनने के लिए और उनसे सीखने के लिए कि हम यहाँ पे जो NRIs हैं कैसे एंगेज कर सकते हैं यहाँ रहकर इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और कैसे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे बर्लिन में इंडो जर्मन रिलेशंस को कैसे आगे बढ़ाते हैं ये सीखने के लिए। जी रोहित जी, जैसे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं नरेंद्र भाई मोदी, तो अंदर से कैसा फील हो रहा है कि जर्मन में हिंदुस्तानियों का मान सम्मान और कितना बढ़ेगा? बहुत बढ़ेगा, उनका बहुत सारे फॉलोअर्स हैं यहाँ पे और बहुत सम्मान करते हैं यहाँ पे भी लोग उनको और बहुत फॉलो भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और इंडो जर्मन टाइम्स को आगे बढ़ाएंगे। जी, नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री आने के बाद क्या यहाँ जो हिंदुस्तान के NRIs हैं उनका मान सम्मान और गौरव बढ़ा है? डेफिनेटली बढ़ा है, हमें हमारे यहाँ पे जो डायस्पोरा है उनकी एंथुजियाज्म और जो इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड में जो इंप्रेशन है बहुत आगे बढ़ा है और हमें वो यहाँ पे जो लोकल जर्मन से उनसे भी सुनने को मिलता है। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी दर्शकों, देखा किस तरीके से एंथुजियाज्म है लोगों में, दूर दूर से यहाँ पधारे हैं वो और अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद।